Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास ओप्पो का F23 है और आपको इस फोन के अंदर किसी भी एप्स का डुअल बनाना है, डुअल एप्स यूज करना चाहते हो, इस फोन में डुअल एप्स को बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कैसे इस फोन में डुअल एप्स को बनाते हैं। डुअल एप्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फोन की सेटिंग में जाना होगा। फोन की सेटिंग को ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करके नीचे कुछ साइड आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा एप्स। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखने को मिल जाता है ऐप क्लोनर, यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आप जिस भी एप्स का क्लोन करना चाहते हो वो यहाँ पे अगर अवेलेबल होता है तो उसका बना सकते हो। यहाँ पे एक और फीचर मिल जाता है आपको, जैसे कि आपने फोन पे का बनाया, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे, तो यहाँ पे आप चाहें तो उसका रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि फोन पे नाम से आपको देखने को मिलेगा, चाहे तो इसको आप अपना नाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ देखने को मिलेगा रीनेम ऐप डोन, इस पर क्लिक करके आप जो भी नाम देना चाहें इसको आप दे सकते हो। तो यहाँ पे रीनेम कर लीजिए इस तरह से, तो आपका नाम आपके डेस्कटॉप पे देखने को मिलेगा इसी ऐप से। तो जैसे कि हमने फोन पे हमने अपने नाम से कर लिया है, डेस्कटॉप आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब आप देख पाओगे आपके जो भी नाम आपने डाला था फोन पे का वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन के अंदर डुअल ऐप्स को बना सकते हो। ऐसे करते हैं फ्रेंड्स, आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, वीडियो से लगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।